वाह बड़ी माँ वाह, ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह, ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी माँ, और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। शर्मिंदा हैं? इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुराइन भी रखने लगे कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है, बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी, ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादे पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हुआ इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर थी। तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन, वापस उसी दुनिया में, शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हा? हम फिर जीत गए। दिखा तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है, इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बेकुआ कर रहेगा। तू क्या खीखी करिए निगौड़ी, चल यहाँ से, तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारों से मिली थी, कैसी लगी तुम्हें हमारी पार? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो एक चंद्रमुखी, वो अभिमानी उद्दन, तुम कितनी निर्मल कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी कभी तितली तो कभी चांद, और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू कभी शमा, सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्र ये क्या चंद्रमुखी, मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो, अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहां पर यह अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी, बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहां से जाने की इजाजत दे दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो,
पर मैं भुगत रहा हूं। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता।